हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो हेलो, माय नेम इज कल्याणी। टुडे वी हैव लॉट्स ऑफ कलरफुल आउटफिट्स टू शो यू। तो लाइक एवरीथिंग इज अंडर 10,000 सब मिला करके। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्साइटिंग न्यूज की ना, सवाना का इंडिपेंडेंस डे सेल इज लाइव। तो अभी ना यू कैन गेट अप टू 70% ऑफ। अभी बहुत ही अच्छा टाइम है कि कलेक्शन जाके चेक करो। ऑल्सो सेल तो चल ही रहा है, ये वाला कूपन कोड सवाना 30 भी यूज करना मत भूलना। सो यू कैन यूज दिस कूपन कोड और यू कैन सेव सम एक्स्ट्रा मनी। यस, हम लोग वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, मैंने सवाना पे बहुत सुंदर सुंदर से लाइक कवर देखे, तो आई गॉट दिस वन सिल्वर कलर के कवर, मुझे अच्छे लग रहे हैं आजकल। और इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन थे, तो ककेट कोर टाइप से इसमें बो बना हुआ है पूरा, तो मुझे ऐसे थोड़ा ये वाला अच्छा लगा, तो आई गॉट इट। इट वॉज 400 समथिंग, यहाँ पे स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा। और इसके बाद एक ज्वेलरी मैंने लिया है, विच इज दिस वन। ये बड़ा ही प्यारा लगा मुझे, हार्ट शेप वाला ज्वेलरी, क्यूट, काफी अच्छा लगा, क्लासिक लगा। लाइक यू कैन वेयर दिस ऑन बर्थडे पार्टीज या फिर से कैजुअल वेयर पे भी चला सकते हो, तो अच्छा लगा मुझे। और बस यही दोनों एक्सेसरीज मैंने लिया है। नाउ लेट्स मूव इनटू द क्लोथिंग आइटम। सबसे पहले आई गॉट सो मैनी टी शर्ट। सो आजकल स्पोर्ट वाला जर्सी टाइप का जो है ना बहुत ज्यादा चल रहा था, तो आई गॉट दिस टी शर्ट, इसमें सवाना लिखा हुआ है। आई लव द मटेरियल, बहुत ही कम्फर्टेबल है पहनने में। और यहाँ पे ये थ्री लाइनिंग है दिया हुआ, जो स्पोर्ट वाला वाइब आ रहा था, तो दैट्स व्हाई आई गॉट इट। ये ब्लैक कलर में है ना, सारे ही बॉटम्स पे सूट कर जा रहे थे। और ये बेबी टी टाइप का है। आई गॉट दिस इन साइज मीडियम आई गेस, तो साइज यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से फिट आया और मुझे बहुत कम्फर्टेबल लगा, लाइक फॉर समर सीजन या फिर इसे कैजुअल पहनने के लिए, सो इट्स गुड। नेक्स्ट टी शर्ट, और हाँ ऑलरेडी जो प्राइस है ना टी शर्ट्स के, लाइक 400-500 के अंदर है, तो मुझे अफोर्डेबल लगा। और उसके बाद सेम मैंने बताया कि मुझे स्पोर्ट्स वाले बहुत पसंद आ रहे थे, तो आई गॉट दिस वन नेक्स्ट। और इसका जो मटेरियल है ना, इसको आप पहन करके लाइक एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, उस टाइप का मटेरियल है। और ये ट्रेंड में काफी चल रहा था, मैं पिंटरेस्ट पे इस टाइप से बहुत ज्यादा देख रही थी, लाइक इस टाइप से जर्सी टाइप से। सो ये रहा मटेरियल, एंड या गुड फॉर योगा एंड स्पोर्ट्स, नाइस। तो काफी एथलेजर कोर है ये वाला टी शर्ट, रेड में है ये चीज, तो काफी सुंदर है, कलर इज रियली प्रिटी। इसके बाद एक और मैंने लिया है, वो भी सेम जर्सी टाइप्स में, और ये ब्लू वाला तो और भी बहुत ज्यादा चल रहा है, पिंटरेस्ट पे मैंने काफी देखा हुआ है। सो ये वेस्ट पे पूरा ऐसे यू नो फिटेड वाला, ये थोड़ा ये फिटेड वाला नहीं था, एंड दिस वन इज फिटेड, और ये क्रॉप भी नहीं है ना, तो बहुत ही कंफर्टेबली पहन सकते हो, और ट्रेंड में तो है ही। नेक्स्ट वन इज दिस, और आई थिंक ये सेम टू सेम मैंने पिंटरेस्ट पे भी देखा है, इस टाइप से बहुत सारे लाइक बहुत सारा पिन मैंने देखा था। सो या ये भी सेम मटेरियल का है जो पिंक वाला है, नाइस। एंड आई लाइक द वी नेक, मुझे बहुत सही लगता है टी शर्ट में, क्योंकि अच्छे से यू नो आप पहनते हो ना, तो मुझे बंद गले से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, अभी भी मैंने बंद गला ही पहना हुआ है। ये बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है स्पोर्ट्स के लिए, मैं तो सिर्फ कैजुअल वेयर ही पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स तो करती हूँ नहीं, तो नाइस, लव इट। ट्रेंड में चल रहा था और मुझे काफ़ी ऐसे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लाइक स्पोर्टी काइंड ऑफ आउटफिट मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। इसके बाद मैंने जो लिया है ना दिस पैंट, ये थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे लगा, बट ये व्हाइट लाइनिंग वाला आजकल तो बहुत ही ज्यादा चल ही रहा है, तो दो कलर था ब्लैक एंड ग्रे, तो आई गॉट दिस वन। एंड इसका मटेरियल बहुत ही सुंदर है, लाइक काफी थोड़ा हैवी काइंड ऑफ भी है, तो यू कैन सी अच्छे से इस टाइप से मटेरियल है, बहुत ही सही रहेगा लाइक ट्रैवलिंग करने के लिए भी, कैजुअल वेयर या फिर एयरपोर्ट लुक के लिए भी, मुझे लगा बहुत सही लगेगा। लंबा है काफी मेरे पे, आई थिंक गर्ल्स विथ 5'7" हाइट, तो उसको आराम से आ जाएगा। और इसमें आगे में दो पॉकेट है, पीछे में भी दो पॉकेट है, तो काफी अच्छा फ्लो है इसका। एंड साइज स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा कि मैंने कौन सा साइज लिया है, और आप हमेशा सवाना पे साइज देख करके ही लेना। एक और मैंने ये उसके बाद लिया, ये स्पोर्ट्स ब्रा, क्योंकि ना ये इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोग ब्रा के बारे में पूछते हैं कि आप कौन सा अंदर में लाइक टी शर्ट्स के अंदर पहनते हो बिकॉज ऑफ दैट सीमलेस लुक, तो मैंने इस बारी ये वाला मंगाया है। एंड स्पोर्ट्स ब्रा पहन सकते हो टी शर्ट के अंदर, बहुत ही सीमलेस लुक आता है, तो ये मुझे अच्छे से फिट आ गया है, लाइक अच्छे से कवरेज आ गया। एंड इफ यू आर समवॉट माई साइज देन यू कैन टोटली गो फॉर दिस वन। इसके पीछे में
ये स्टाइल भी है, तो अगर आप इसे इसको पहन करके जिम वगैरह भी कर सकते हो। ये बहुत ही हद तक फुल कवरेज है, इसे पूरा फुल कवरेज नहीं है, बट हाँ इट्स वेरी कंफर्टेबल और आप पहन सकते हो। यू कैन सी ऑन द ट्राई ऑन पार्ट में क्या करिए, लाइक पूरा कवरेज तो नहीं है, हल्का सा फिर भी दिखता है क्लीवेज, ये पूरा कवरेज देता है, बहुत ही हद तक देता है, तो आई रियली लाइक इट। और द मटेरियल इज सो नाइस, इसके अंदर में ना ये पैडिंग भी दिया हुआ, बट मैं ज्यादा पैडेड वाला ब्रा नहीं पहनती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आई एम ऑलरेडी हैवी बस्टेड। लेकिन हाँ ये बहुत सही रहता है कभी कभी कोई से कपड़ों पे पहनने के लिए, बिकॉज वो निपल शोइंग नहीं होता है इससे, तो ये भी आप लगा सकते हो, ऑप्शन है। मैंने इसे लगा करके पहना था, तो यू कैन सी इन दिस टी शर्ट, तो इसके अंदर मैंने पहना हुआ तो काफी अच्छा क्लीन लुक दे रहा था, यू कैन टोटली गो फॉर इट। और ज्यादा महंगा भी नहीं है, वैसे ब्रा हम लोग के साइज का बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आता है हर जगह पे, तो आई थिंक ये अच्छा है, ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट नहीं देगा ऑब्वियसली, यू कैन वेयर लाइक टी शर्ट्स के अंदर पहनने के लिए काफी अच्छा है। और उसके बाद मैंने लिया एक और टॉप, बहुत ही कलरफुल सा, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा कलरफुल है, तो नेक्स्ट है ये वाला, और ये वन साइज में आई थिंक अवेलेबल था, और ये ना काफी स्ट्रेची है, तो इसका जो मटेरियल है ना किसी को भी आ जाएगा, सो मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छे से बैठ जाता है, कोई से भी बॉडी टाइप पे इसको पहनोगे ना तो ये वहां पे वैसे फिट हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, और काफी सुंदर लगा मुझे ये। और बेसिकली ना एक्चुअली मुझे हाँ ये वाला मैंने बिकिनी मंगवाया था, तो उसमें 3 सेट था ये एंड ये दोनों, एक सेकेंड में दिखा रही हूँ, तो मुझे ऐसे पहले से ही उम्मीद था कि मुझे ब्रा तो नहीं आएगा। और उसके बाद है ये लाइक पैंटी, उसके बाद है ये, वैसे मुझे बेसिकली ये चाहिए था, ये थोड़ा मुझे लूज आ गया, मैंने लार्ज साइज मंगवा लिया, मुझे मीडियम मंगवाना चाहिए था क्योंकि मुझे चाहिए तो ये था नीचे वाला, तो लार्ज साइज के हिसाब से मुझे बहुत लूज आया, तो आई कैन वेयर इट लाइक ऐसे करके। और ये दोनों को साथ में मैंने सोचा था पेयर करूंगी क्योंकि इसमें भी थोड़ा ऑरेंज का हिंट है, तो दोनों साथ में अच्छा जाएगा और मैं थोड़ा कंफर्टेबल भी रह पाऊंगी, वेकेशन के लिए मुझे सही लगा बहुत। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो भी मैंने हाँ ये वाला सेट लिया, बहुत ही ज्यादा वायरल चल रहा है ये, मैं मतलब हर एक दूसरे लोगों को मैं देख रही हूँ पहनते हुए, तो मुझे भी बहुत प्यारा लगा वैसे, तो आई गॉट इट। और मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट तो हो रहा था कि ये वाला जो पार्ट है नीचे ये बस्ट वाला ये मुझे छोटा आ जाएगा, और मुझे छोटा आया क्योंकि बहुत छोटा सा है ये, मेरे बस साइज पे नहीं आएगा। आई गॉट दिस इन लार्ज, तो टॉप मतलब फिर भी इसके अंदर में आप ब्लैक या फिर व्हाइट या फिर येल्लो काइंड ऑफ एक कैमी टॉप पहन सकते हो, मुझे अच्छा लगा इसका टॉप, यहाँ पे मैश वाला शीर मटेरियल है, तो यहाँ पे ऐसे टेढ़ा सा एसिमेट्रिकल गया हुआ है नीचे से, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा, लाइक आई कैन वेयर दिस ऑन लाइक जेंस स्कर्ट और भी बहुत सारे बॉटम पे मैं इसको पहन सकती हूँ, तो मुझे ऐसे काफी यू नो समरी वाइब दे रहा था ये वाला कलर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। बट इसका स्कर्ट ना उसका मटेरियल बहुत अच्छा है वैसे स्कर्ट का भी, बट मुझे बहुत लूज आया, मुझे लग ही रहा था क्योंकि लार्ज साइज लिया मैंने, सो इसका ये वाला जो पार्ट है ना बहुत सिमलेस है, तो आप साइज देख के लेना। और इसको भी लाइक मेरा जो है ना वैसे हर टाइम मुझे हमेशा प्रॉब्लम आता है कि जो आई हैव लाइक हैवी बस्ट एंड नो बट, तो मुझे जींस हमेशा लूज आता है पीछे से और टॉप के लिए मुझे अप साइज जाना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा लूज आया है, वो होता है ना नॉट बांध करके, इसको भी मैं ट्राई कर सकती हूँ, बट ये लूज आया है और टॉप मुझे सही आया है, बस वही है कि थोड़ा जो अंदर में जो स्तर दिया हुआ है वो कम है, तो या दैट्स इट फॉर दिस वन। इसके बाद मैंने एक और कैमी टॉप लिया है, वो बहुत ही क्यूट लगा मुझे और मुझे आ भी गया, तो आई रियली लाइक इट। यहाँ पे लेस दिया हुआ है, लेस वाला डिजाइन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, सो ये ब्लैक में भी काफी अच्छा जा रहा है एंड ग्रे वाले पैंट के साथ मैंने पेयर अप किया हुआ है इसको, तो काफी अच्छा लगा दोनों साथ में, एंड या आई लव इट इस टाइप का कैमी टॉप, और इसका मटेरियल भी मुझे काफी अच्छा लगा, ये जो मटेरियल है ना वो थोड़ा स्ट्रेची होता है तो बहुत ही अच्छे से बॉडी को हग कर लेता है, तो मुझे प्यारा लगता है, उसे कवर अप ले लो एंड यू आर गुड टू गो। तो दैट्स इट, इतना ही 10,000 के अंदर में था, और एक और मैंने एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि ये जींस मुझे बहुत टाइम से मैं देख रही थी, मुझे बहुत टाइम से बेसिक जींस चाहिए था, और इस टाइप का जींस आजकल पिंटरेस्ट पे मैं बहुत ज्यादा लाइक इस शेड का सेम टू सेम मैं देख रही थी, तो आई ऑल्सो गॉट दिस वन, मतलब जितना भी मैंने आपको दिखाना सारे पे चला जा रहा था ये, तो काफी बेसिक है एंड ये वाला जो है ना मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही सही मटेरियल है इसका एंड इट इज लाइक दिस, इसका पीछे में यहाँ पे 3 डिटेलिंग है, लाइक दिस इज द पॉइंट, और यहाँ पे वो ऐसा ऐसा शेड दिया हुआ है, तो काफी लंबा भी आया मेरे पे, आई एम 5'3", तो मतलब मैं हर टाइम बोलती रहती हूँ, सो
या मेरा हाइट 5'3" है, मुझे बहुत लंबा आया था, तो गर्ल्स विद 5'5" उसको बहुत ही अच्छे से प्रॉपर ये आ जाएगा, क्योंकि और थोड़ा सा नीचे में ऐसे कि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा नीचे में ऐसे ज़्यादा जींस रहे बैगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा फॉल करे ऐसे ऐसे वाला, लाइक प्रॉपर एंकल लेंथ वाला नहीं, थोड़ा लंबा ही जींस मुझे पसंद है। यस दैट्स इट, काफ़ी ज़्यादा ही चल रहा है ये वाला जींस और बहुत ही अच्छे से प्रॉपर फिट भी आ गया। आई थिंक ये 29 साइज में अवेलेबल था, तो माई ऐसे ओरिजिनल वेस्ट साइज 29 लाइक साइज, लेकिन ज़्यादातर 29 साइज मिलता नहीं है ना, तो इसीलिए आई ऑलवेज गो फॉर 30 कि थोड़ा सा सही फिट आ जाए। तो ये 29 का 29 है और मुझे बहुत ही अच्छे से फिट आया है, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस जींस। तो हाँ, ये बस 10,000 के बजट से थोड़ा बाहर है, बाकी 10,000 के अंदर ही था सारा कुछ। ये जींस आई थिंक 1690 रुपीज का है, बट यू कैन ऑलवेज यूज माई कूपन कोड विच इज SAVANNA30, तो ये यूज कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कलेक्शन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको और भी एक्सप्लोर करना है ना, तो अभी सेल चल रहा है, तो अभी जाके जरूर से जरूर चेक कर लेना सारा कलेक्शन, एंड कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना, एंड उसके साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऑल्सो कमेंट तो करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट कर देना इस वीडियो में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय। Tell me I'm not the same.